अभी हम समरी देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस समरी देखेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। सो टाइप 1 में क्या क्या आता है, इट इज एन एनाफाई, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन है ये आईजीई मीडिएटेड है या रिएगिन बॉडी मीडिएटेड है। यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है, एंटीजन बाइंड्स टू एंटीबॉडी ऑन सेंसिटाइज्ड सेल्स, मींस सेंसिटाइज सेल के ऊपर एंटीबॉडी है, उसको जाके एंटीजन बाइंड करता है और रिलीज वैसो एक्टिव एमाइंस फ्रॉम मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स, और वैसो एक्टिव एमाइंस को वो रिलीज करता है कहाँ से, मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स से। वैसो एक्टिव एमाइंस माने क्या क्या है, हिस्टामिन, ईसिनोफिलिक, कीमोटैक्टिक फैक्टर, सेरोटोनिन, ये सब। अदर रिएक्शंस यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ा है एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन के बारे में, एक रिएक्शन एनाफाइलैक्टोइड रिएक्शन पढ़ा है, वो एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन नहीं है पर सिमिलर है वो। एटोपी पढ़ा है यहाँ पे, यहाँ पे पी के रिएक्शन, प्रोसनिस कस्नर रिएक्शन, और इस टाइप वन रिएक्शन का एग्जाम्पल्स क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू पोलन और हाउस डस्ट, ये टाइप वन में आता है। अभी हम टाइप टू जाएंगे, तो टाइप टू क्या है, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन है, यहाँ पे आईजीजी मीडिएटेड। आप याद रखो टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री ये सभी इमीडिएट रिएक्शंस है, टाइप फोर डिलेड रिएक्शन है, तो इसको हम टाइप टू को एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एंटीबॉडी बाइंड्स टू एंटीजन ऑन द सेल्स एंड कॉजेस लाइसिस ऑफ सेल्स, यहाँ पे एंटीबॉडी जाके जो सेल्स के ऊपर एंटीजन है उसके साथ बाइंड करके वो सेल को ब्रेक करता है या लाइसिस करता है या टिश्यू को वहाँ पे डैमेज करता है। यहाँ पे अदर रिएक्शंस हमने क्या क्या पढ़ा है, यहाँ पे हमने ग्रेव्स टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी भी हमने यहाँ पे देखा है। इस रिएक्शन का एग्जाम्पल्स क्या क्या है, किसका, टाइप 2 का, ब्लड ट्रांसफ्यूशन, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। ब्लड ट्रांसफ्यूशन माने क्या, जब हम दूसरे ब्लड को, एक सोचो आप ए ग्रुप का एक ब्लड में हमने बी ग्रुप का दे दिया तो उसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूशन रिएक्शन हो जाता है, तब ऐसे वाला टाइप टू रिएक्शन देखते हैं। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी माने मदर पॉजिटिव है आरएच पॉजिटिव और फीटस क्या हो गया, आरएच नेगेटिव है, नहीं तो मदर आरएच नेगेटिव है, यूजुअली हम ये यूजुअली मदर आर एच नेगेटिव रहता है और फीटस आर एच पॉजिटिव रहता है, तब ये देखते हैं। ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलाइटिक अनिमिया, कुछ औषध दिया है हमने मेडिसिन और इससे क्या हो गया, आरबीसी से ब्रेक हो गए, तो यहाँ पे भी हम टाइप टू रिएक्शन ही देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप थ्री रिएक्शन, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, यहाँ पे आईजीजी भी इन्वॉल्व होता है, आईजीएम भी इन्वॉल्व होता है। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस अलोंग विद कॉम्प्लीमेंट कॉज डैमेज, इम्यून कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट के साथ यहाँ पे डैमेज करता है। आप याद रखो टाइप टू में भी कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है, टाइप थ्री में भी कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है, और ये जो रिएक्शन है ना यहाँ पे एनाफाइलैक्टोइड रिएक्शन, यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट यूज होता है। तो अभी हम इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या है, आर्थस रिएक्शन जो लोकल रिएक्शन है और सीरम सिकनेस जो सिस्टमिक रिएक्शन है। टाइप फोर, टाइप फोर में क्या देखते हैं, ये टी सेल मीडिएटेड, ये डिलेड इम्यूनिटी है, ये टी सेल मीडिएटेड है, तो यहाँ पे टी सेल प्रोड्यूसर साइटोकाइंस एंड विच इंटर्न एक्टिवेट्स फैगोसाइट्स, सो साइटोकाइंस ये सब प्रोड्यूस करता है और फैगोसाइट्स मोनोसाइट्स को भी अट्रैक्ट करता है। इसका एग्जाम्पल्स क्या है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट और एक और है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। अभी एक और रिएक्शन बच गया है वो देखेंगे हम, ये क्या है रिएक्शन, श्वार्टमैन रिएक्शन, इट इज नॉट एन इम्यून रिस्पॉन्स, ये इम्यून रिएक्शन नहीं है बट इट सुपरफिशियली रिसेम्बल्स इट, सो इट इज डिस्क्राइब्ड हियर। पर ये इम्यून रिएक्शन जैसे ऊपर ऊपर से देखे तो इम्यून रिएक्शन जैसा लगता है, इसलिए यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। क्या किया है, कल्चर फिल्ट्रेट ऑफ एस टाइफाई माने सोलमोनेला टाइफाई, क्या प्रोड्यूस क्या करता है सोलमोनेला टाइफाई, टाइफाइड फीवर प्रोड्यूस करता है, तो उसका कल्चर फिल्ट्रेट तो लेके इंजेक्टेड इंट्राडर्मली इंटू रैबिट्स, रैबिट्स के स्किन, इंट्राडर्मली माने रैबिट्स के स्किन में डाला, तो आफ्टर 24 आवर्स एक दिन के बाद
IV of any endotoxin which is similar to the above or unrelated to the above is given. So agar endotoxin टाइफी का endotoxin रहता है तो उसी जैसा वाला एंडोटॉक्सिन या उसकी तरह दूसरा एंडोटॉक्सिन या कंप्लीटली डिफरेंट एंडोटॉक्सिन हमने फिर रैबिट को इंजेक्ट किया तो क्या होता है, हेमरोजिक नेक्रोटिक लीजन अकर्स एट इंट्राडर्मल साइट, जहां पे स्किन में हम इंजेक्ट कर रहे हैं ना वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे हेमरेजिक नेक्रोटिक लीजन. अभी आप सोचिए, पहला वाला इंजेक्शन हमने कैसे दिया, इंट्राडर्मली दिया. दूसरा वाला इंजेक्शन हमने कैसे दिया, इंट्रावीनस. इंट्रावीनस माने वेन में इंजेक्ट कर दिया. तो जहां पे हमने इंट्राडर्मली वो इंजेक्शन दिया था नहीं, वहां पे एक हेमरेजिक नेक्रोटिक लीजन डेवलप होता है. हेमरेजिक माने क्या, ब्लड सब बाहर आना. नेक्रोटिक माने क्या, सेल डेथ होना. सेल डेथ, प्रीमेच्योर सेल डेथ होना. वो यूजुअली ऐसा लगता है ह्यूमन बॉडी में, मैं दिखाती हूँ कैसा लगता है वो. तो वो ऐसा वाला लीजन्स रैबिट के ऊपर डेवलप हो जाते हैं. तो ऐसा लगता है, ये सभी देखो, ये हेमरेजिक और नेक्रोटिक लीजन्स है. यहाँ पे सेल डेथ हुआ है, ब्लड भी बाहर थोड़ा अंडर द स्किन आ गया है, ऐसे हो जाता है. इसको हम हेमरेजिक नेक्रोटिक लीजन्स बोलते हैं. सो अपियर एट दैट इंट्राडर्मल साइट. इफ बोथ इंजेक्शंस आर गिवन साइमल्टेनियसली देन द रैबिट डाइज आफ्टर 12 to 24 hours. अगर हम दोनों को इंजेक्शन को साथ में दे दिया, फिल्ट्रेट ऑफ साल्मोनेला टाइफाई प्लस एंडोटॉक्सिन इंजेक्शन साथ में दिया तो मर जाता है रैबिट. तो ऐसा वाला रिएक्शन हम कहाँ कहाँ देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने दो ही दिया है. एक है ARDS, एक है मेनिंगोकॉकल सेप्टिसीमिया. ARDS माने अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम.